रामदेव, पतंजलि, कोरोनिल, आयुर्वेद, इन्हीं शब्दों ने पिछले कुछ दिनों से न्यूज का बाजार गर्म कर रखा है। इसी कड़ी में एक और नई खबर आई है। पतंजलि की कोरोनिल दवा पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो गया है और इस बात की पुष्टि खुद योग गुरु रामदेव ने की है। उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि कोरोनिल को बेचने पर अब आयुष मंत्रालय ने प्रतिबंध हटा दिया है। अब कोरोनिल जन जन तक पहुंच सकेगा और उन्हें कोरोना से बचा कर रखेगा। योग गुरु ने ये भी दावा किया कि पिछले सप्ताह जो भी अनावश्यक विवाद हुए हैं उनका जल्द अंत हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि उनकी दवा को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं है। बता दें कि आयुष मंत्रालय ने ये कहकर क्लीन चिट दे दी है कि मनुष्य के शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बूस्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और आयुष विभाग की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद स्वामी रामदेव ने तुरंत पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण और आयुर्वेद के शोध वैज्ञानिक डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय के साथ पतंजलि योगपीठ में पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पतंजलि पहले से ही कह रहा है कि जो दवाई बनाई गई है उसका कोरोना के मरीजों पर इस्तेमाल किया गया है और बीमारी ठीक हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने हमें रूढ़िवादी कहकर अड़ंगा लगाया। बता दें कि पतंजलि ने कोरोना की पहली आयुर्वेद दवा कोरोनिल को एक किट के रूप में 23 जून को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था और इसे कोरोना के मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल के बाद लॉन्च करने का दावा किया था। लॉन्च के कुछ समय बाद में आयुष विभाग ने आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी की ओर से पतंजलि को नोटिस भेजा था। नोटिस मिलते ही पतंजलि अपने दावे से मुकर गई। पतंजलि ने जवाब में कहा कि कोरोना की कोई दवा नहीं बनाई है और न ही कभी कोरोना की बात कर प्रस्तुतीकरण किया गया। चकाचक एक्सप्रेस से आदर्श की रिपोर्ट।